नमस्कार दोस्तों, भाग्य लक्ष्मी का आने वाला एपिसोड आप लोगों के लिए घना ही दिलचस्प देखने को मिलने वाला है दोस्तों। जब आप लोग देख पाएंगे कि किस तरीका से इस समय लक्ष्मी ऋषि की चिंता करती हुई नजर आ रही है और ऋषि ने भी इस समय सबूत हाथ ले लिया है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि इस समय जो सबूत मिला है ऋषि को, उसमें विक्रांत का तो क्लियर हो गया है लेकिन लड़की का क्लियर नहीं हो रहा। हालांकि दोस्तों पंडित ने काफ़ी कोशिश की थी कि किसी भी तरीका से इस चीज़ को हाइड करके रखा जाए ताकि किसी को किसी भी तरीका की जानकारी पैदा ही ना हो। आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि इस समय सभी लोग बेहद ज़्यादा चिंता में डूबे हुए नजर आ रहे हैं कि आखिरकार करें तो करें क्या और करें तो कैसे करें, क्योंकि सभी लोगों का मानना यह है कि जो हो रहा है वो कहीं ना कहीं सही नहीं हो रहा है। बात की जाए इस समय ऋषि की, तो ऋषि ने बोल दिया है कि मैं किसी भी सूरत में विक्रांत को छोड़ने वाला नहीं हूं, क्योंकि विक्रांत को मैं सभी लोगों के सामने एक्सपोज करके ही दम लूंगा, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि फिलहाल की विक्रांत की अगर सिचुएशन की बात की जाए तो विक्रांत की सिचुएशन बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है, क्योंकि दोस्तों उसे डर पूरा सच बैठ चुका है, क्योंकि उसे पता है कि ऋषि छोड़ने वाला नहीं है। ऋषि एक ऐसा शख्स रहा है जो हमेशा अपनी लाइमलाइट के लिए भी जाना जाता है और अपनी लाइफ लाइट के लिए भी। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों की जानकारी के लिए मैं बता देना चाहता हूँ कि कहानी एक नहीं बल्कि इस समय कई कई ट्विस्ट अलग से पैदा करती हुई नज़र आने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों आप लोगों को पता ही है कि कभी भी कुछ भी हो सकता है इस सिचुएशन में। क्योंकि दोस्तों मलिष्का, हालांकि वो भी चिंता कर रही है कि कुछ बुरा ना हो जाए हम लोगों के साथ में, लेकिन दोस्तों बुरा तो कुछ ना कुछ होगा और ज़रूर होगा, क्योंकि अभी नहीं तो थोड़ी टाइम में होगा लेकिन ज़रूर होगा। साथ ही दोस्तों आप लोगों के सामने मैं हूँ रोहित नागर, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में वीडियो को लाइक करें एंड कॉमेंट करके आप लोग मेरे को ज़रूर बताइएगा इस कैसे लग रही है आपको मेरी वीडियो। थैंक यू सो मच कि आपने मेरे को वाकई में इतना सपोर्ट किया है गाइस, दिल से धन्यवाद और दिल से आभार गाइस।